प्रकाशक नामक ग्रंथ की पूर्णता के उपरांत परिशिष्ट के रूप में, द्वितीय परिशिष्ट के रूप में यहाँ उन्हीं पंडित प्रबल टोटमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी का यह मार्मिक प्रकरण बहुत दिनों से यहाँ हमारा चल रहा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के इस दूसरे पृष्ठ पर सविकल्प और निर्विकल्प दशा की चर्चा चल रही है। सविकल्प शब्द का क्या अर्थ है, इस बात को यहाँ समझाया जा रहा था, और निर्विकल्प का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा आगे करेंगे। सविकल्प तो समझ में आ गया होगा, स माने सहित और विकल्प माने विकल्प, माने जो हमारे रागात्मक उठने वाले तरंगे हैं उसका नाम है सविकल्प। जो राग द्वेष कषाय रूप तरंगे उठती है उसका नाम सविकल्प दशा है। ऐसी सविकल्प दशा यह चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और यह सविकल्प दशा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी पाई ही जाती है। बहुभाग माने बहुत लंबे काल तो उनका सविकल्प दशा में ही बीतता है, और किंचित काल उस 6 महीने के पीरियड में कभी कभी, यह अनिवार्यता नहीं है कि 6 महीने में एक बार ही आत्मा का अनुभव हो। बहुत से लोगों को इस बात का भ्रम रहता है कि 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव हो तो गुणस्थान चौथा, और आत्मा का अनुभव यदि 15 दिन में एक बार होने लग जाए तो गुणस्थान पांचवा, और अंतर्मुहूर्त में यदि आत्मा का अनुभव होवे तो गुणस्थान छठवा सातवा। ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टियों को भी 5-7 दिन में आत्मा का अनुभव हो जाए और गुणस्थान चौथा ही हो। समझ में आ रही है बात। पांचवें गुणस्थान का संबंध 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य प्रकट वितरकता से है। जो शुद्ध परिणति 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य होगी। हाँ, यह बात अलग है, अभी इसी बात को थोड़ा उल्टा लगाओ कि यदि 6 महीने में आत्मा का अनुभव ना होवे तो चौथे से गिर जाए, और 15 दिन में आत्मा का अनुभव ना होवे, शुद्धोपयोग ना होवे तो 5वें से गिर जाए, अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग वापस ना होवे तो 6वें 7वें से नीचे गिर जाए। यह परम सत्य है। इसका मतलब 6 महीने 15 दिन अंतर्मुहूर्त की जो बात कही है, यह अनंतानुमंदी आदि जो कषायें हैं उन कषायों की वासना काल की अपेक्षा से बात कही है, माने इन कषायों का वासना काल इतना इतना है, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव 6 महीने में एक बार ही आत्मा का अनुभव करेगा। यदि आप 6 महीने में मिनिमम एक बार मानते हो, मिनिमम तो कह सकते हैं ना अपन, शायद सम्यक दृष्टि भरत आदि चक्रवर्ती जैसे महापुरुष 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव करने वाले कम से कम की बात करें,
तो 60,000 वर्ष की दिग्विजय के काल में उन्होंने 120,000 बार आत्मा का अनुभव मिनिमम से मिनिमम किया था, इससे कम नहीं हो सकता। हमें लगता है ये कैसा चक्रवर्ती है, ये कैसा क्षायिक सम्यक दृष्टि है। इधर पिता की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ, पिता की क्यों कहें, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ, दिव्य उपदेश हुआ, असंख्यात देव दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आ रहे हैं, अनगिनती त्रियंच दिव्य ध्वनि सुनने आ रहे हैं, लाखों मनुष्य गति के जीव दिव्य ध्वनि सुनने आ रहे हैं, और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि ये दिव्य ध्वनि छोड़कर युद्ध में चला गया, क्षेत्रण जीतने के लिए चला गया, ऐसी क्या पड़ी थी, और कितने लंबे काल के लिए, हजारों वर्षों के लिए, उसे अंदाजा नहीं था इस बात का क्या छोड़ करके किधर जा रहा है। शायद यदि उस जमाने में हम लोग वहां होते तो हम तो तुरंत कहते हैं होगा चक्रवर्ती, क्या दम है, दिव्य ध्वनि छोड़ करके जा रहा है, पापी है, भ्रष्ट हो गया, भोगों के चक्र में उलझ रहा है, धर्म छोड़ करके भोग की तरफ जा रहा है, शादियां करने के लिए, छह खंड को जीतने के लिए, अपने राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए, आप क्या कहते बोलो। चलो छोड़ो भरत चक्रवर्ती की बात, आपकी हमारी ही बात ले लो, 2 दिन मंदिर नहीं आए तो कोई बात नहीं, 5 दिन नहीं आए तो थोड़ा सा विकल्प उठता है, महीने भर से नहीं आ रहे हैं सोचते क्या हो गया, और फिर मालूम चला कि वो बिजनेस में लगे हैं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, यार ये कहाँ उलझ गया है ये चक्कर में, ये कौन से चक्करों में उलझ गया, धर्म ध्यान छोड़ करके दुनियादारी के चक्करों में उलझ गया, व्यापार आदि के चक्कर में उलझ गया, इसको इतना अपने पुण्य पाप कर्म पे भरोसा नहीं है, बिजनेस चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, यही समय मिला है उसको काटने के लिए। हमारे प्रवचन की बात नहीं कर रहे, ऋषभ देव के प्रवचन को छोड़ के गया है क्या बोलो, लोगों ने मन में कह तो कौन सकता है, मन में तो ये भाव आया ही होगा यार क्या है ये व्यक्ति, लेकिन भाई यहाँ कह रहे हैं हे वो भरत चक्रवर्ती जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है उसको निर्विकल्प अनुभूति 6 महीने में एक बार तो हुई होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता, एक क्षायिक सम्यक्त्व का ऐसा ही स्वरूप है, क्षायिक सम्यक्त्व एक बार हो जाने के बाद फिर कभी भी छूटता नहीं है। अब क्षायिक सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं है, और सम्यक दर्शन यदि छूटा नहीं है तो 6 महीने में आत्मा का अनुभव 4थे गुणस्थान के लिए अनिवार्य शर्त है, शुद्ध उपयोग। अनंतानुबंधी की जो रस है उसका काल इतना है, 6 महीने से ज्यादा यदि काल रह जाए तो वो अनंतानुबंधी दोबारा आ जाएगी, ऐसा है, मतलब इतना उसका अंतराल काल कह सकते हैं, यदि वो जीव पुरुषार्थी न होवे, शुद्धोपयोग न होवे, बार बार में स्वभाव का अवलंबन न करे तो। खैर सविकल्प दशा में ज्ञानियों की कैसी परिणति होती है उसका यहाँ चित्रण किया जा रहा था, गुमास्ते का उदाहरण देकर के बात कही। सेठ के यहाँ नौकरी करता है, नौकर नहीं है झाड़ू पोछा करने वाले जैसा, घर में या दुकान पर पानी पिलाने वाले नौकर जैसा नहीं है, ये अधिकारी है, इसके अंडर में कई कर्मचारी काम करते हैं, कई नौकर चाकर इसके अंडर में काम करते हैं, कोई ग्राहक इसके यहाँ आता है तो उस ग्राहक से इसी प्रकार बात करता है जैसे मैं ही मालिक हूँ, फुल राइट है इसको, इसको फुल राइट है किस व्यक्ति को कितना डिस्काउंट देना, किस व्यक्ति को कितनी छूट में माल बेचना, किस व्यक्ति से कैसे डीलिंग करना, ये इसको पूरा अधिकार है, अपना ही बिजनेस मान करके ये जीव काम करता है, ऐसा बिल्कुल इस तरह से आप देखेंगे। हर्ष शोक भी है, शोक भी करता है, थोड़ी सी खेत खिन्नता भी होती है, कोई पार्टी चले जाए तो है, कोई सौदा नहीं पटे इनको खेत खिन्नता भी होती है, लेकिन फिर भी अंतरंग में जाकर के देखो, ये टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दिया, अंतरंग में जाकर के देखो तो उसे अपना कार्य नहीं मानता। बोलो अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि ये मेरा कार्य नहीं, ये अंदर श्रद्धान की बात है, माने बाहर में कुछ नहीं बदला है, अंदर में श्रद्धान बदल गया है, बात तो अंतरंग श्रद्धान की है,
बाहर में तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से कभी कभी ऐसा होता है ना, अंदर से टूट गया, बस संबंध टूट जाते हैं अंदर से, फिर ऊपरी दिखावटी लगावटी ऊपर ऊपर जो चल रहा हो, मैं क्या दम है ऊपर ऊपर चलने में, लेकिन असली बात क्या है, अंदर से अब संबंध टूट गया। वो नहीं सुनाया करते हैं दोनों भाइयों का प्रसंग, आम को इधर से उधर, बस हाथ इधर से उधर हो गया, बस देते समय यद्यपि उसने बड़ा ही दिया भाई साहब के बेटे को, अपने बच्चे को छोटा आम दिया और भाई साहब के बच्चे को बड़ा आम दिया, दो बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे और दोनों हाथों में आम थे, लेकिन देते समय बड़े भाई साहब के बच्चे को ऐसा और अपने बच्चे को ऐसा, ये जो आ गया हाथ में भेदभाव का सूचक क्या, और उन्होंने देख लिया भाई साहब ने, ये नहीं देखा कि बच्चे को बड़ा दिया, अरे बड़ा दो चाहे छोटा दो क्या, लेकिन ये जो भेद तूने किया क्या, बात ये नहीं है कि तू उसको बड़ा दे रहा है, बात ये नहीं है कि तू अपने को छोटा दे रहा है, बात ये कि तेरे को ये भेद पड़ा क्यों दिमाग में कि ये अपना और ये पड़ा है। अब दुकानदारी नहीं चल सकती साथ में, अब गृहस्थी साथ में नहीं चलेगी, अच्छा यही होगा कि हम लोग राजी खुशी अलग अलग हो जाए, क्या समझ में आ रही है बात, जो मन में जो खटक आ गई है, कबीर लाल जी इस तरह की जो बात कहते हैं ना, रहीम लाल जी, धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, क्या लौकिक प्रसंगों में ये बात कही गई है, लेकिन जैन धर्म में ये बात क्या कहते हैं, ये जो राग का धागा है, इस राग के धागे को एक बार तोड़ दो क्या, फिर नहीं जुड़ेगा क्या, और ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा शादी अनंत काल के लिए, एक बार जैसे भी हो सके क्या तोड़ दो इस धागे की का जोड़ नहीं कर सकते अपन ऐसे, कि ये जो मोह का जोड़ है, ये जो राग का बंधन है, इस बंधन को जैसे भी हो सके आप तोड़ दो, और एक बार यदि ये बंधन टूट गया, ये राग का बंधन टूट गया और दोबारा न जुड़ा, अरे अच्छा है, ये बंधन तो जितनी जल्दी टूटे उतना अच्छा है, ये ज्ञानियों का बंधन टूट गया है, ये ज्ञानियों के राग की डोर टूट गई है, अब उनके राग की धारा अविरल धारा रूप से नहीं चलती है, धारा टूट गई, राग होगा मोह भी होगा, घर गृहस्थी में ही रहेंगे, बाल बच्चों के साथ में रह रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं, खाना पीना आदि सारी क्रियाएं उसी तरह की हो रही है क्या, फीणी भी खाता है, घेवर भी खाता है, पकौड़ियाँ भी खाता है, बनते हैं उसके सब, और ऑर्डर भी करता है बनाने का क्या, और नहीं बने तो कदाचित खेत खिन्नता भी होती है, ऐसा भी है, कदाचित थोड़ा नाराज भी हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं अंदर से रस टूट गया, बाहर से दिखाई नहीं देगा, जिसका रस अंदर से टूटा हो बाहर से कैसे दिखेगा, बाहर से तो दिखती नहीं ये चीज, ये सम्यक दृष्टियों की चर्चा यहां कह रहे हैं। कर्म का उदय, देखो वही गुमाश्ता, जिस गुमाश्ते की बात कही है, वही व्यक्ति यदि सेठ का धन चुरा करके उसे अपना मान लेवे तो बेईमान है, चोर है, बदमाश है, वो तो गबन करता है, चुरा लेता है, हेरा फेरी करता है, वो तो सजा का पात्र है, ठीक है ना। और जो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से, मतलब वो चाणक्य जैसी ईमानदारी, समझ में आ रही है बात, कभी कभी तो हमें अति लगती है वो, लेकिन भाई ईमानदार तो ऐसे होते हैं, इतिहास गवाह है इन सब बातों का कि अनेक ईमानदार लोग ऐसे भी हुए हैं, दीपक जला करके काम कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया तो एक दीपक को बुझाया और दूसरा दीपक जलाया, सामने वाले व्यक्ति से रहा नहीं गया कि आपका एक किस्सा समझ में नहीं आया, ये क्या किया आपने, एक दीपक को बुझा दिया और दूसरे दीपक को जलाया, जलाना ही था तो बुझाया क्यों क्या, और जब बुझा ही दिया था जलाया क्यों,
जल ही रहा था ना, एक को जला के दूसरे जलाने में क्या दम है? तो बोले नहीं नहीं मैं सरकारी काम कर रहा था, राज्य कार्य कर रहा था, तो राज्य के खर्च से जो तेल आया है वो दीपक जल रहा था, और अब आप आ गए हो, व्यक्तिगत चर्चाएं करेंगे हम, घर गृहस्थी की चर्चाएं करेंगे, अपनी आपसी जो बातचीत होगी ऐसे समय में एक आध घंटे, ये सरकारी खर्च से जलने वाला दीपक नहीं जलेगा, ये तो मेरे निजी तनख्वाह से जो तेल खरीदा है उस तेल से जलने वाला दीपक ये मैंने जलाया। इतनी ईमानदारी हो सकती आज के जमाने में? चिराग लेकर के ढूंढो तो ना मिले। देखो भाई, हमारी निगाह में भली ऐसे ना हो लेकिन इस तरह के लोग भी हैं दुनिया में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे पाप का उदय है, समझो आप, कि हमारे संपर्क में, हमारे समागम में ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन पंडित जी ऐसे ईमानदार लोगों की बात करते हैं यहाँ, ऐसे ईमानदार व्यक्ति, बेईमानी जिसके हृदय से निकल गई है, बिल्कुल ईमानदार। बोलो ऑफिस का टेलीफोन यूज में नहीं लेने वाले ऐसे लोग दिखते हैं कई? ऑफिस का टेलीफोन यूज में नहीं लेंगे, अपने काम से फोन करेंगे तो अपने फोन से करेंगे, और ऑफिस के काम से करेंगे तो ऑफिस के फोन से करेंगे, ऐसे ईमानदार। एक पेंसिल नहीं लेकर के आते, ऐसे लोग भी हैं, आज भी हैं दुनिया में इस तरह के लोग। खैर देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार, अब देखिए सिद्धांत क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार कर्मोदय जनित, कर्म के उदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य जिनमें कर्म का उदय था, इन कार्यों को करता हुआ, शुभ कार्यों को करता हुआ, अशुभ कार्यों को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो। कौन? सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव शुभ अशुभ कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो। ये शुभ अशुभ कार्य मतलब क्या? दान पूजा व्रत उपवास आदि नहीं। देखो कर्मोदय जनित शुभ अशुभ कार्य, ये शुभ अशुभ कार्य क्या है? अंदर में उठने वाले रागात्मक विकल्प दोनों ही आएंगे इसमें, शुभ और अशुभ दोनों हो जाएंगे, क्योंकि वो राग की जो दिशा है वो यदि पंचेंद्री विषय भोग हो, उस राग का विषय पंचेंद्री विषय भोग हो तो हम कहेंगे अशुभ हुआ, और उस राग का विषय देवगुरु धर्म हो तो हम कहेंगे शुभ हुआ। लेकिन ये जो तद्रूप परिणमित करने होने की बात है, ये तद्रूप परिणमन जड़ के साथ में नहीं होता, अपने चैतन्य परिणामों के साथ में होता है, जड़ क्रियाओं के साथ में नहीं होता, शुभ अशुभ कार्यों के साथ में। जो बात कह रहे हैं ना यहाँ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्म के उदय जनित शुभ अशुभ कार्य को करता हुआ, कौन से शुभ अशुभ कार्य को करता हुआ? किसका करता है? जड़ क्रिया का कर्ता तो त्रिकाल नहीं है, शरीर आदि का क्रिया तो ये तीन काल में हो नहीं सकता, ये सिद्धांत है। तो फिर किसका करता? कि मैं शरीर का करूं इस भाव का करता। क्या मुझे ठंड लग रही है तो कुछ ओढ़ना पहनना चाहिए, इस भाव का करता। सम्यक दृष्टियों को ठंड लगती होगी कि नहीं? सम्यक दृष्टियों को ठंड लगती है तो जर्सी पहनते हैं, जर्सी पहनेंगे कि चादर ओढ़ेंगे? ओढ़ सकते हैं, पहन सकते हैं, रुई रुई की भी वो जैकेट वगैरह पहन सकते हैं, कोट, अच्छा कोट तो नहीं पहन सकते होंगे, कोट भी पहन सकते हैं। ये देखो क्या गजब बात कही, शेरवानी पहन सकते हैं तो कोट क्यों नहीं पहन सकते? अरे शादी कर सकता है, जब वो शादी कर सकता है तो कोट पहनने में क्या ऐतराज है? कोई दिक्कत नहीं है, करता है बिल्कुल। तो लेकिन किसका करता है? वो कोट पहनने की क्रिया का करता नहीं है, कोट पहनने की क्रिया होवे उस समय जो उसका भाव चल रहा है उस भाव का करता है। समझ में आ रही है बात? हम किसके करता है? अपने भावों के करता है। जड़ पदार्थों का कर्ता कोई नहीं होता, क्योंकि जड़ पदार्थ हमारे हिसाब से चलते नहीं है। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि इस जीव को भ्रम हो जाता है,
इतने घने हैं ये संबंध, इसे ऐसे लगता है मेरे ही करने से हुआ, मैंने ही तो किया है ये सब, मेरे ही करने से तो हुआ है, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये कैसे होगा, फिर कैसे होगा, फिर कैसे माने, ये इसको बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। हमारे करने से हुआ है ना, मेरे पहनने से कपड़े पहने गए, अरे भाई तुझे पहनने का राग आया था और तेरे उस राग में और शरीर की इस क्रिया में दोनों के साथ में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से तुझे कर्ता कर्म पने का भ्रम हो गया है। जड़ की क्रिया के साथ में परिणमन करे, जड़ क्रिया रूप से परिणमन करे चेतन, ये कैसे हो सकता है? अज्ञानी भी नहीं कर सकता क्या? बात तो सम्यक दृष्टियों की चल रही है। कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित तो हो, उस रूप परिणमन कर जाए, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धा ने यह कार्य मेरा नहीं, मेरा नहीं, हमारे काम नहीं है। सभी कहते हैं अमृतचंद्र स्वामी इस टीका को लिखने में मेरा कोई कर्तृत्व तो नहीं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी से पूछो कि साहब इस ग्रंथ, हमने टोडरमल जी से पूछो ना, हमने हमने कागज मसी अक्षर आकार लिखिए अर्थ प्रकाशन हार, मैं नहीं हूं। मैंने कितना कैसे वचन होते हैं देखो, आप कितनी दृढ़ता से निकले होंगे, लिखनो करनो तनु को मिलो क्या, और योग उपयोग, उपयोग मेरा और योग शरीर का, और यदि चंचलता को योग कहो तो योग और उपयोग तो मेरा क्या, और लिखना करना आदि जो काम हुए हैं ये सब शरीर का, लिखना अधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक और इंद्रिय हिया, ये है सब पुद्गल को खेल, या में ना ही हमारे में। बोलो पता है ये पंक्तियां कब पढ़ी थी? शुरुआत क्या आज ही के दिन पढ़ी थी, रिकॉर्डिंग देखना 15 जनवरी 2014 क्या, क्योंकि ये पंक्तियां प्रस्तावना में दी है क्या, और 5-7 जनवरी के आसपास अपन ने शायद ये शुरू किया था, फिर प्रस्तावना खत्म करके 25, 26, 27 जनवरी से अपन ने ग्रंथ शुरू किया था। 26 जनवरी को तो अपन ने वो दूसरी चर्चा की थी, 3 साल हो गए इसे, 27 जनवरी को अपन ने मंगलाचरण से शुरू किया था, 16 जनवरी से शुरू किया था, आज 15 जनवरी है। अरे देखो ये छंद, क्योंकि प्रस्तावना में ये सब दिए हैं सारे, टोडरमल जी की ये जो अंतरंग दशा थी इन सबको प्रस्तावना में बतलाएं, बहुत सुंदर प्रस्तावना थी डॉक्टर भारिल साहब की लिखी हुई, और बहुत विस्तार से अपन ने उस प्रस्तावना की भी चर्चा की है, 10 दिन चर्चा की है अपन ने प्रस्तावना के बारे में करीब करीब। यहाँ क्या कह रहे हैं, शुभाशुभ रूप परिणमन नहीं करता, नहीं शुभाशुभ रूप स्वयं परिणमित हो रहा है, समझना भाव रूप परिणमित हो रहा है, क्रिया रूप परिणमित नहीं होता, उस क्रिया का करता धरता नहीं है, उस क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है हमारे, जड़ की क्रिया हो रही है वो जड़ में हो रही है। लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये है सब पुद्गल के खेल, या में ना ही हमारो मेल, ये सब है पुद्गल के खेल, या में ना ही, ये पुद्गल के खेल है, इसमें हमारा मेल नहीं है, पौद्गलिक क्रियाओं के साथ में हमारा कोई मेल नहीं है। ज्ञानी जीव इस बात को पहचानता है, मेल तो अज्ञानी का भी नहीं है क्या, ज्ञानी का जड़ क्रियाओं के साथ में मेल नहीं है तो अज्ञानी का भी तो मेल नहीं है, मिल गई पंक्तियां है। अज्ञानी मानता है ऐसा कि मेरा मेल है, अज्ञानी समझता है ऐसा कि मेरा मेल, ज्ञानी और अज्ञानी में मान्यता का ही तो फर्क है, ज्ञानी और अज्ञानी में अभिप्राय का ही तो फर्क है, बाकी का फर्क है, बाकी तो सब ठीक है। देखो मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता हूं, सच में आपको दोनों की रिकॉर्डिंग में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा,
घर में रहने में कोई फर्क नहीं है, और उसी मौत से रहता है जैसे मिथ्या दृष्टि रहता है। फर्क कहाँ दिख रहा है? फर्क हमें दिख ही नहीं रहा है, फर्क तो ज्ञानियों को पता है, क्योंकि ज्ञानी लोग जानते हैं उनके अंतरंग की क्या स्थिति है, उनके अंदर में क्या चल रहा है, उनकी वे जानते हैं या केवल ही जानते हैं, या भावलिंगी संतों ने उन बातों का निरूपण किया है। गेही पे ग्रह में न रचे, क्या बात कर रहे हो, घर में रह रहा है, घर में नहीं रच रहा है, ऐसा कैसे चलता है? गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्या पंक्तियां दौलत राम जी ने कौन से क्षणों में पंक्तियां लिखी, जैसा रहस्य सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में तीन एग्जाम्पल देकर के बात कर दी। घर में रहता है अवध स्पष्ट, घर में रहता है लेकिन कैसे, घर में रचता नहीं है। भरत जी घर में ही वैरागी, लोगों को लगता है कि कैसे कैसे ऐसे कैसे 96,000 रानियों के बीच में रह रहा है, बीच में नहीं रह रहा है, सबके साथ में रह रहा है क्या? एक कम 96,000 रूप बनाने की सामर्थ्य है, सबके साथ में रहता है, 96,000 महलों में रोजाना रहता है। क्या उसके भोग हैं, क्या उसके वैभव हैं उस चक्रवर्ती सम्राट के, फिर भी ये प्रसिद्ध कथन है भरत जी घर में ही वैरागी। ऐसा कैसे हो सकता है, घर में रहते हुए वैरागी, घर में रहते हुए वैरागी, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे कैसे होंगे वैरागी? सच में अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से रस नहीं है, रहते हैं लेकिन रहना पड़ता है लेकिन रहते नहीं है। कहाँ रहते हैं वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? अपने में रहते हैं। आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्त में भरत जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली? आप कह रहे कैसा हो सकता है, लेकिन हुआ ही है ना, तो हुआ ही है ना, सबको पता है ना ये बात। तो आखिर अंतर्मूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंदर तैयारी चल रही थी, 10,500 साल में जो तैयारियां चल रही थी, वो हजारों वर्षों से जो तैयारियां चल रही थी, पूरी तैयारी थी अंदर से, बाहर में कुछ भी दिख रहा हो लेकिन अंदर में पूरी तैयारी चल रही है। कोई घटना एकदम घटती है तो एकदम नहीं घटती है, उसकी तैयारी पहले से चलती है। कई लोग कवर बना के मकान बनाते हैं, एक साथ खोलते तो लगता है अरे यार इतना बड़ा एक साथ कैसे बन गया। ऐसा ऐसा होता है, पता नहीं लगता है एकदम। घटनाएं हैं इस तरह की, बहुत तरह के, जिसको आप सरप्राइज कहते हैं। क्या ये क्या चीज है? अंदर में तैयारी चल रही है, ओपन नहीं है। एकदम घर में तैयारी चल रही थी, पता नहीं था, फिर उनको एकदम घर में लेकर के आए, क्या हुआ ये? ये तो कब कब बच्चों ने सजा दिया घर को, क्या हुआ? चल रही थी तैयारी, तुम्हें पता नहीं है बस। तो भरत जी की तैयारी अंदर में चल रही थी, तुम्हें पता नहीं है। ज्ञानियों की तैयारी सदाकाल चलती है, सम्यक दृष्टियों की तैयारी अंदर में चला करती है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों ने जिस आनंद का उपभोग किया है, सम्यक दृष्टियों ने जिस आनंद को चखा है, सम्यक दृष्टियों ने जिस आनंद को भोगा है, अब उस आनंद की पूर्णता के लिए प्रयास ना करें। जो जिस व्यक्ति के कदम उस आनंद की पूर्णता के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये उसने सच में उस आनंद को चखा ही नहीं है। एक बार चख ले रहे उस कुल्फी को, टन टन बजने पर दौड़े नहीं बच्चा स्वाद ले लिया एक बार, कुल्फी वाला निकलता है बाहर से, पहले कितना पीछे पड़ो, पहले हम कहें भैया तुम आत्मा को समझ लो, आत्मा को समझ लो, क्या आत्मा आत्मा, जब देखो तब आत्मा आत्मा, और अब तो आत्मा की चर्चा करते ही अंदर से चित्त प्रमुदित होता है, अंदर से उल्लास आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसने उसका रस चखा है, कोई ना कोई तो बात है अंदर में। लोगों को पसंद नहीं आती है, जिनको आत्मा पसंद नहीं आता क्या, उनको मोक्ष पसंद नहीं आता। सच्ची भक्ति उन्हीं के होती है जिन्हें आत्मा पसंद आता है, जिन्हें आत्मा पसंद आएगा उन्हें मोक्ष पसंद आएगा, उन्हें आत्मलीन व्यक्ति पसंद आएंगे,
और जो आत्मा में पूरी तरह से लीन हो गए हैं वे परमात्मा है। परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे आप बताओ मेरे को, परमात्मा की सच्ची भक्ति कैसे करें? जितने नाचते हुए दिखाई देते हैं ना भक्ति करते हुए, वो कोई दम नहीं है, सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन्हें भगवान का स्वरूप ही नहीं पता। भगवान का स्वरूप अनंत सुख रूप है, वे परमात्मा अपरिग्रही, जिसका किसी तरह से कोई लाग लपेट नहीं है, वे तीर्थंकर परमात्मा, वे जिनेन्द्र देव, वे साक्षात जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं, वो उनका प्रतीक है जिन्होंने अनंत सुख को भोगा है और भोग रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप अनंत सुख को भोगने वाले वे परमात्मा, कहां से आ रहा है वो सुख उनको, क्यों छोड़ दिया है उन्होंने घर बार आदि? इसका सच्चा श्रद्धान उसे होगा जिसने अंदर में आत्मा का रस चखा हो। आत्मा फात्मा कहता है कभी कभी, ऐसा तो नहीं कहता संजीव फंजीव की क्या बात है, क्या क्या लगता इस नाम में कितनी तन्मयता है आत्मा के साथ में। किसी का नाम लेकर करके कहता है ना, होगा कोई, हाँ हमें क्या लेना देना है, रमेश सुरेश कोई भी हो, हमें क्या लेना देना है उसका। अरे भैया ये आत्मा ऐसा नहीं है, मैं हूं मैं, अपनी अपनी चर्चा हो और आनंद नहीं आए इसका मतलब पागल है, पागल है। जिसको अपनी चर्चा में आनंद नहीं आ रहा है इसका मतलब उसके दिमाग का ढीला है कुछ पेज। ये कहोगे आप और क्या कहोगे, कुछ क्या ढीला है ही नहीं, निकल गया है ऐसा। देखो शुभाशुभ कार्य को करता हुआ, लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक इंद्रियां, कितना स्पष्ट कह दिया पंडित जी ने, सब पुद्गल को खेल, वो पुद्गल का खेल और उसमें चलने वाले भाव बोले तद्रूप परिणमित होता है। भावों के साथ में से जुड़ान है इसलिए फल भी लगेगा तो भावों का लगेगा। तथापि ये टोडरमल जी का किंतु परंतु तथापि है, ये ऐसे शब्द हैं जो पासा पलट देते हैं सीधा, पूरी बात को बदल देते हैं। अभी तक जो बात कही गई थी उस बात को रिवर्स आ गई, रिवर्स गियर लगा दिया तुरंत। तथापि अंतरंग में, इसका मतलब जो तद्रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा था वो बहिरंग में, क्योंकि तथापि अंतरंग में कह रहे हैं इसका मतलब इसके पहले जो वाक्य था है वो क्या होगा, वो बहिरंग होगा, इसका मतलब बाहर में परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बाहर में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं यदि इस आनंद को तकलीफ पर लगाओ, वैसे तो योग्य नहीं है यहाँ उदाहरण, फिर भी एक देश घटित करो तो आप ये कह सकते हो जिस व्यक्ति का बच्चा मर गया है अब वो व्यक्ति बाहर में मजाक करता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में तकलीफ चल रही है कि नहीं ऐसा, या ऐसा समझ लो आप किसी के यहाँ मरण हो गया हो क्या, और वहां जाकर के थोड़ी खेत खिन्नता व्यक्त करता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर में जिसको, अंदर में मतलब उसको कोई प्रॉफिट हुआ हो है, या उसके बच्चे की शादी हो, खुद के बच्चे की शादी है समझना, और पड़ोसी के बच्चे की डेथ हो गई है, तो अब वो नाच गान करता हुआ दिखेगा क्या? लोक लाज के कारण ही थोड़ा सा है, थोड़ा खेत तो व्यक्त करता है लेकिन अंदर में खुशी चल रही है क्या? क्यों अंदर में चल रही कि बाहर में व्यक्त नहीं हो भली? ऐसी स्थिति आए, सम्यक दृष्टियों की भी ऐसी दशा है। ग्रह में ना रचे, ये जो रचे शब्द है ना, ये रचे शब्द श्रद्धा का सूचक है। अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है, कैसा श्रद्धान है सम्यक दृष्टियों को, कि यह कार्य मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। अब जगत जनों को ये बातें कैसे जचिए बोलो, ये काम मेरा नहीं है। बिजनेस कर रहा है कह रहा है मेरा नहीं है, उठता बैठता है कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, मजे से खीर खा रहा है और कह रहा है मैं खीर खाने की क्रिया का करता नहीं हूँ, ये बातें कैसे जचिए? ये तो गहराई से इन बातों के बारे में विचार करने पर ये बातें जचती है भाई, बाहरी पदार्थों के ऊपर तुम्हारी चलती नहीं है। एक एक बाल का परिणमन अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे सर में कितने बाल काले से सफेद हो गए, हमसे पूछ के थोड़ी ना हुए,
हमसे पूछ के थोड़ी ना जा रहे हैं, कौन सा बाल कितने अंश में काला होगा और कितने अंश में सफेद होगा, कितना काला और कितना सफेद, आधा बाल काला और आधा बाल सफेद, आधा आधा तो हम देख रहे हैं अनंत पुद्गल परमाणु है, हर परमाणु स्वतंत्र योग्यता से परिणमन कर रहा है, हमें जो एक बाल सफेद दिख रहा है, एक बाल नहीं है, अनंत परमाणुओं का समुदाय है, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का समुदाय, क्या देखे हम, चलती है हमारी दुनिया में चलाना चाह रहा है, यहाँ नहीं चलती, वहाँ नहीं चलती, वहाँ चलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ चलाने की कोशिश कर रहा है, खूब कोशिश कर रहा है, मेरी चल जाए, मेरी चल जाए, क्या कैसे चलेगी, दुकानदारी चलाना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, क्या नहीं चला सकता। मैं समाज को चलाता हूँ, मैं गृहस्थी चलाता हूँ, अरे ना तू दुकान चलाता है, ना समाज को चलाता है, ना गृहस्थी चलाता है, ये शरीर तेरे हिसाब से नहीं चलता है, वो भूल गया, वो कौन सी आंख पड़कती है तो अच्छी होती है, दाई पक्का, कौन सी आप लोगों की भाई है, अच्छी होती है, और यदि इससे विपरीत फड़कने लगे तो टेंशन में आ जाता है, भाई आंख फड़क रही है, पता नहीं संकेत है। क्या चक्कर है ये, नहीं तो हैं? पता नहीं क्या चक्कर है साले, तो रोको ना, किसी और की आंख की बात नहीं कर रहा आपकी जो आंख है जो फड़क रही है उसको रोको, और जो नहीं फड़कने वाली है जिससे अच्छा होता है उसको वैसे फड़काओ, और खुजली भी चलती है कभी कभी हाथ में, हैं? कौन से हाथ में चलती है, दाएं में चले, सीधे हाथ में चले तो क्या होगा, आएगा, और इसमें चले तो जाने वाले को रोक देना, और करो ना कुछ तो करो, ऐसा कुछ नहीं, सब साफ समझ में आती है, मोटी मोटी बातें हैं, क्या किसी भी व्यक्ति को शांति से बैठ करके समझाए तो ये बात आसानी से समझ में आए, लेकिन समस्या ये है समझना चाहता नहीं, समझना ही नहीं चाहते हैं लोग इस दुनिया में, लोगों को कितना भी समझाओ कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो इस बात को समझ ले, ये जैन धर्म का सार है, ये जैन धर्म का मर्म है, इसका नाम है जैन धर्म, हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी बोलो, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें, सब अपने अपने में रहते हैं, हर द्रव्य स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र है, क्या एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है, कितनी सुंदर व्यवस्था है षट द्रव्यात्मक श्लोक की, इस व्यवस्था को जो व्यक्ति समझ लेते हैं विज्ञानी हो जाते हैं, जो स्वीकार लेते हैं, समझना और समझ करके स्वीकार करना, तद्रूप परिणमन करना, अंतरंग में उस बात पर श्रद्धा करना, बोले ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, ये करेंगे सर विकल्प तोड़, तू विकल्प करता किस लिए है बता, तेरे विकल्प करने में क्या समर्थ है, इन विकल्पों को तोड़ क्यों नहीं देता है, हो रहा है अंदर में देख रहे हैं अभी अपन, सम्यक दृष्टियों के अंदर में देख रहे हैं, तो क्या कहा इन्होंने, ये मेरा का नहीं है, और क्या कहा, यदि शरीर आश्रित, सुनो, शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, क्या व्रत को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, ऐसा माने कि मैंने 3 दिन के उपवास किए, ऐसा माने अंदर में तो मिथ्या दृष्टि होए, क्या बातें हैं, कहां से निकली है ये बातें, किस गहराई से निकली है ये चर्चाएं, दुनिया के लोगों को बर्दाश्त हुई ये बात, किसी किसी व्यक्ति को समझाओ ये बात कि व्रतादि क्या करता हूं ऐसा माने, संयम का करता हूं ऐसा माने, झगड़ पड़ेगा आपसे, मिथ्या दृष्टि हुई, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं, बोलो मैं करता हूं ऐसा माने, देखो कहने में ऐतराज नहीं है, कहना और मानना दोनों अलग अलग चीज है,
कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। यहाँ तो चर्चा चल रही है अंतरंग श्रद्धान में क्या है, फल तो अभिप्राय का लगता है भाई, ये बात कह चुके हैं पीछे टोडरमल जी, क्या फल तो अभिप्राय का लगता है, फिर परिणामों का बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय नहीं है, विचार नहीं करता, और फल तो अंतरंग में जो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। सम्यक चारित्र का अन्यता स्वरूप की पहली लाइनें हैं, पेज नंबर 237-38 हैं, एक बात कहा है उसके आसपास। हाँ हाँ बिल्कुल साहब, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कह सकते, मुझे तो ये मान के चलना चाहिए, यही मान करके चलना चाहिए, और क्या मानेंगे आप, और है क्या अपने पास में मानने के लिए। 238 पेज देखो ऊपर क्या लिखा, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, और यदि परिणामों का भी विचार करें तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासनाएं हैं उसका विचार नहीं करते और फल लगता है, सो अभिप्राय में जो वासनाएं हैं उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान लगभग 10 साल पहले थोड़ा बहुत रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कर चुके हैं, क्या बहुत विशेष व्याख्यान आगे कर नहीं पाए। बोले ये जो बात इन्होंने लिखी ना उसका विशेष व्याख्यान, इसका मतलब 10 साल से उनके दिलो दिमाग में क्या घूम रहा था। स्वयं सम्यक दृष्टि थे, अपनी अंतरंग दशा को पहचानते थे, बोलो अपनी दशा तो सब पहचानते हैं ना, अपने अंतरंग में क्या चल रहा है ये बात तो पहचानते हैं कि नहीं, अभिप्राय में क्या चल रहा है ये बात तो ज्ञानियों के चलता है या नहीं, खुद की बात तो खुद के पकड़ में आती है, मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है, भले ही आप कुछ गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, रेड लाइट क्रॉस कर गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा एकदम, तेरे अभिप्राय में क्या है वो तू जानता है, कोई दिख नहीं रहा था तेरे को, तुझे पता नहीं था कि वो सामने खड़ा हुआ है, तो तेरा अभिप्राय तो तू ही जानता है ना, तेरे अंदर में क्या चल रहा था, छिपके खड़े होते पता नहीं लगा एकदम, और उन्होंने देख नहीं पाया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, एक कैसी बात कह रहे हैं। शरीर आश्रित, इसका मतलब शरीर आश्रित को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हुई, शरीर आश्रित के बारे में समझ ले वे ये मेरा किया हुआ है, मैं शरीर को चलाता हूं, मैं शरीर को संभालता हूं, सच में यदि ये जीव शरीर की क्रियाओं का करता होवे तो किसी का शरीर ना बिगड़े, शरीर की क्रियाओं के यदि आप करता हुए तो आपका शरीर बिगड़ना नहीं चाहिए, चेहरे पर झुर्रियां पड़नी नहीं चाहिए, आंखों पर चश्मा चढ़ना नहीं चाहिए, कानों में मशीन लगनी नहीं चाहिए, सर के बाल उड़ने नहीं चाहिए, मुंह से दांत हिलने नहीं चाहिए, घुटनों में दर्द होना नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना नहीं चाहिए, बोलो आप जुकाम होनी नहीं चाहिए, सर्दी गर्मी कुछ भी हो जुकाम नहीं लगे, लू नहीं लगे, बुखार नहीं आए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, ये थक गया, ऐसा हो गया, तू करता है ना शरीर का, क्या हो गया, हो गया मैं क्या करूं, ये नहीं बोलता मैंने किया, भैया शरीर आश्रित है, ये उपवास भी शरीर आश्रित है, यदि अपने स्वरूप की पहचान नहीं है तो भाई भूखे रह करके अपने आप को समझता है कि मैंने उपवास कर लिया, वही तो हो नहीं हो, ये व्रतादि की बात कर रहे हैं, शरीर आश्रित व्रत संयम इनको अपना माने मिथ्या दृष्टि हुए, करता सब है देखो, संयम का भी पालन करता है, व्रत का भी पालन करता है, उपवास भी करता है, अणुव्रतों का पालन भी करेगा, भूमिका अनुसार भावना भाता है, क्या तिस परिणति तेने तो हटा हटी, ये अंदर में चल रही है बात, तुम फोटो खींच रहे हो और लग रहा है यही क्या देवांगनाओं के साथ में रमत अनेक सुरनी संग, ये दिख रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, और तिस परिणति तेने तो हटा हटी, ये दिख रहा है इन ज्ञानियों के द्वारा खींची गई फोटो में, बोलो अज्ञानी रिकॉर्डिंग करे तो क्या दिखेगा, रमत अनेक सुरनी संग, ये देखो रिकॉर्डिंग, ये देखो ये क्या है, और ज्ञानियों ने रिकॉर्डिंग करके
एक्सरे सोनोग्राफी करके निकाला, ये देखो किस परिणति थे नहीं था हटाहटी अंदर में ये चल रहा है क्या, ये है असली बात, ये नहीं समझ में आती है। तो ये कह रहे हैं सो अपने आप को यदि जड़ क्रियाओं का कर्ता धरता माने, जड़ क्रियाओं को करता हुआ दिखाई देता है, अंदर में करने का विकल्प उसके चल रहा है, उस विकल्प के साथ में तद्रूप परिणमित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, माने तो मिथ्या दृष्टि होवे। इसलिए ऐसी मान्यता हम सभी की जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। मैं मान्यता छोड़ने की कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि हमारी गृहस्थी को तोड़ाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, जो चल रहा है सो चल रहा है। मान्यता टूटेगी तो निश्चित रूप से वो अतिंद्रिय आनंद भी आएगा, वो शुद्धोपयोग भी होगा, ये शुभाशुभ के विकल्प भी धीरे धीरे करके टूटेंगे। हम सभी की जीवन में ऐसी परिणति शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी भावना से विराम देता हूँ।